हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाते हैं लिन नाम का आदमी स्कूल में टीचिंग का डेमो दे रहा होता है और वो अपनी बुक को प्रमोट कर रहा होता है, पर स्कूल में स्नैक ले जाने के कारण उसे जॉब नहीं मिलती है। फिर वो अपने घर वापस आता है जहां उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम बीवाई होता है। लिन बीवाई से दवाई के बारे में पूछता है जिसका जवाब बीवाई हाँ में देती है। फिर लिन के घर की डोरबेल बजती है, उसके दरवाजे पर वोंगहोंग ग्रुप का सीईओ मिस्टर टैंग होता है। टैंग लिन से पूछता है क्या ये लिन क्वीन का घर है, जिसका जवाब लिन हाँ में देता है और उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। टैंग लिन से कहता है मुझे तुम्हारी बुक के चैप्टर नंबर 13 में इंटरेस्ट है। चैप्टर नंबर 13 में एक फ्रूट का जिक्र किया होता है, उस फ्रूट को वो लोग फ्रूट ऑफ लाइफ बुलाते हैं। वो फ्रूट कैंसर को भी ठीक करता है। टैंग उससे कहता है मैंने एक आइलैंड ढूंढा है जहाँ पर ये फ्रूट मिल सकता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? और लिन उसे हाँ कर देता है। और फिर हमें एक शिप दिखाते हैं जहाँ टैंग का एक आदमी लिन को बताता है कि टैंग को कैंसर है। वो उसका इंट्रोडक्शन एक डॉक्टर से कराता है जिसका नाम लैन राव होता है। और फिर वो लोग आइलैंड के काफी करीब पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत घना कोहरा होता है। उस कोहरे में से कुछ फिश उड़कर आती हैं जिनके दांत बहुत नुकीले होते हैं और वो सबके काटने लगती हैं। वो एक मक्खी के छत्ते की तरह आती हैं सब इकट्ठी होकर। फिर लिन सबसे केविन के अंदर जाने को कहता है। किसी तरह सारे लोग अपनी जान बचाते हैं और फिर वो कोहरे के बाहर निकल जाते हैं। वो आइलैंड के किनारे पे पहुंच जाते हैं। फिर वो मोटा जियोलॉजिस्ट एक मैप दिखाता है जो फ्रूट तक पहुंचने का होता है और वो उसी रास्ते पे चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखता है जिस पर कुछ अजीब से फ्रूट लगे होते हैं। मोटा उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें बताता है ये फ्रूट एक बॉम्ब की तरह है, ये तोड़ के फेंकने पे ग्रेनेड की तरह फटते हैं, इन फ्रूट से दूर ही रहना। फिर वो लोग आगे जाने पर एक जगह आराम के लिए रुक जाते हैं जहां डॉक्टर राव एक छोटे से सांप से डर जाती है। टैंग का एक आदमी उसे कहता है कि तुम इतने छोटे से सांप से डर गई, पर बाकी सारे लोग उसके पीछे आके फाड़ के देखने लगते हैं। और वो पीछे घूम के देखता है तो उनके पीछे बहुत बड़ा एक सांप होता है और वो सांप सब लोगों पे हमला करने लगता है जिसपे वो लोग उस पे फायरिंग करते हैं। उस सांप के आगे एक सीना नाम की लड़की फंस जाती है, पर लिन सांप के मुंह में डंडा लगाकर उसकी जान बचा लेता है और सांप वहां से भाग जाता है। और फिर वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहां सांप के अंडे हैं। लिन उन्हें बताता है सांप अपने अंडों की रखवाली कर रहा है, पर टैंक के आदमी उन अंडों को तोड़ देते हैं। फिर हमें दिखाते हैं रात में उन लोगों ने कैंप लगा लिया होता है जहाँ लिन के हाथ में चोट लग गई होती है, तो वो अपने पट्टी बांध रहा होता है और दूर से बैठ के सीना उसे देख रही होती है और देखती है डॉक्टर लैन उसके पास जाती है, उसकी पट्टी करने लगती है। डॉक्टर लैन उससे कहती है कि तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, जिस पे लिन उसे बताता है कि उसकी 10 साल की एक बेटी है जिसको कैंसर है, वो फ्रूट अपनी बेटी के लिए लेने आया है। और फिर सुबह को वो फ्रूट की तरफ चल देते हैं, पर रास्ते में उन्हें कुछ जीवित पेड़ मिलते हैं जो कि लिन का पैर अपनी शाखा से फंसा के अपनी तरफ खींचता है और उसको खाने की कोशिश करता है, पर सीना उसकी जान बचा लेती है। फिर वहां से सब लोग अपनी जान बचाकर फ्रूट की तरफ भाग जाते हैं और वो अपना सफर तय कर फ्रूट तक पहुंच जाते हैं। टैंग अपने आदमी को फ्रूट तोड़ने के लिए भेजता है, पर वहां पे सांप आ जाता है और इस बार सांप बहुत गुस्से में होता है क्योंकि इन लोगों ने उसके अंडे तोड़ दिए होते हैं। सांप सबको मारने लगता है, टैंग के लोग उस पे फायर करने लगते हैं। फिर टैंग लिन पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है फ्रूट मुझे लाके दो, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। फिर लिन उस फ्रूट को लेने के लिए ऊपर चढ़ता है और बड़ा मुश्किलों से उस फ्रूट को तोड़ के ले आता है। टैंग गन दिखाकर लिन से फ्रूट को ले लेता है और वो सारे लोग शिप की तरफ भागते हैं, पर टैंग को सांप जकड़ लेता है और उसकी जान ले लेता है। फ्रूट को उठाकर लिन डॉक्टर लैन राव को देता है और कहता है मैं सांप को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो तुम मेरी बेटी का इलाज कर देना। वो सांप का ध्यान अपनी तरफ खींचकर जंगल में भाग जाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे ग्रेनेड फ्रूट होते हैं और वो सांप को अपनी तरफ बुलाता है, पर वहां पर सीना आ जाती है और लिन को बचा लेती है और वो लिन की जगह अपनी जान दे देती है। फिर वो लोग अपने घर लौट जाते हैं। अब मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।